हेलो फ्रेंड, मैं सुरभि। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वाटर पीच कलर का वाटर लिली है, तो जब भी ये मेरे गार्डन में खिलते हैं तो लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम कहाँ से लिया है आपने और कितने में लिया है। तो बहुत सारे ऐसे मुझे मेरे पास प्लांट हैं जो कि पानी में खिलने वाले हैं, और ये जो जितने भी प्लांट हैं ना, अगर एक भी इनमें फूल खिल जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये हमारे गार्डन में कुछ एक अनोखा पौधा आ गया है, कुछ अलग ही हट के दिखता है। मतलब एक सोचिए, तालाबों में पोखरों में खिलने वाला अगर हमारे गार्डन में ये खिलने लगते हैं तो एक अलग ही खुशी मिलती है। तो कुछ प्लांट तो मैंने खरीदे हैं और कुछ मुझे गिफ्ट मिले हैं, तो आज भी मुझे कुछ प्लांट गिफ्ट मिले हैं तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। और जब भी ये प्लांट खिलते हैं तो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आपने ये कहाँ से लिया है, तो मैं बता दूंगी जहाँ से ये मैंने लिया है और जिन्होंने मुझे ये गिफ्ट भेजा है। बहुत खूबसूरत कुछ वाटर लिली है, और वाटर लिली की कुछ वेराइटी है और भी कुछ प्लांट है जो कि वो बहुत रिजनेबल रेट में देती है, आप उनके यहाँ से ले सकते हैं। बहुत लोग मुझसे पूछते भी हैं कि आप जहाँ से वाटर लिली लेती हैं क्या वो सही है कि नहीं, तो बहुत सही है, बहुत अच्छे प्राइस में देती हैं। हाँ, थोड़ी सी उनको उनके स्टॉक की थोड़ी कमी होती है क्योंकि उतनी वो प्रोफेशनल नहीं है। मैं फ़ोन नंबर वगैरह उनकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और देखिए ये जलकुंभी तो बहुत खूबसूरत लगता है, यादें ताज़ी हो जाती है बचपन की, और पत्तियाँ भी बहुत सुंदर होती है। तो वो जिनसे मैं लेती हूँ ज्योति जी, वो बता रही थी कि बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जो वाटर लिली को सीधे जैसे और प्लांट लगाते हैं मिट्टी में, वैसे सीधे मिट्टी में लगा देते हैं, और जब ख़राब हो जाता है तो फिर बोलते हैं मेरे पैसे वापस करो। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो भी मेरे व्यूअर हैं, और मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मुझे भी वाटर लिली या लोटस लगाना नहीं आता था, तो मैंने बहुत सारी वीडियो देखे और बहुत लोगों से पूछा भी। तो कोई न्यू प्लांट लगाने से पहले आप उसके बारे में थोड़े से वीडियो देख लें, यूट्यूब में बहुत सारे उसके लिए वीडियो होते हैं। तो इतने महंगे प्लांट आप मंगाएं और बिना नॉलेज के वो ख़राब हो जाए तो आपके पैसे बर्बाद होते हैं, और जो भेजने वाले होते हैं जब उनको भी सुनते हैं कि उनके भेजे हुए प्लांट ख़राब हो गए तो दुख होता है। तो पहले आप उनके बारे में पढ़ लें कि उनको कैसे लगाया जाता है। तो वाटर कैबेज हो, वाटर लिली हो, या लोटस हो, मैंने भी इसकी वीडियो डाल रखा है नेचर अराउंड मी में, आप देख सकते हैं। और तो मेरे यहाँ आपने देखा ही हुआ है, मुझे भी इसकी कोई नॉलेज नहीं थी, मैंने भी यूट्यूब में देख के और फिर मैंने इनको लगाया है, और सारे बहुत अच्छे तरह से चल रहे हैं, वो ख़राब नहीं हुए हैं। और बस एक मेरा येलो कलर का ख़राब हो गया है, तो कोई नहीं, फिर मुझे अगर कोई मुझे देना गिफ्ट देना चाहता है तो दे सकता है। और मेरे पास बहुत खूबसूरत कलर के आए हुए हैं वाटर लिली, तो मैं शेयर करूंगी। और देखिए मेरे यहाँ रोज़ बहुत अच्छी तरह से खिल रहा है, और यकीन मानिए मैं बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती हूँ, बिल्कुल टेंशन लेके मैं कभी भी मैंने गार्डनिंग नहीं की, और हर एक छोटी छोटी सस्ती चीज़ें और घर की चीज़ों से ही मैंने इन पर यूज किया है। और लेकिन हाँ, कुछ ऐसी बातों का भी मैं ध्यान रखती हूँ कि ताकि ये ख़राब ना हो, जैसे ये रोज़ है तो रोज़ को आप शेड एरिया में रख दीजिएगा तो ये ख़राब हो जाएंगे, ओवर वाइटनिंग कीजिएगा तो ख़राब हो जाएंगे, इनको मस्त धूप में छोड़ दीजिए और बस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हो, अगर फूलों वाले पौधे हैं तो केमिकल भी दो चार दाने DAP के NPK यूज कर सकते हैं क्योंकि फूलों वाले पौधे हैं। तो देखिए लगाने के बाद जो मेरे गिफ्ट आए थे वो उनमें से बहुत नई नई पत्तियाँ निकलने शुरू हो गई है, मैंने इन्हीं में रख दिए थे। तो जब भी आप वाटर लिली कोई भी प्लांट वाले पौधे पानी वाले प्लांट ग्रो करें तो उनके हमेशा केयर करते रहें, उनके पानी को साफ़ करते रहें और हमेशा चेक करते रहें कि उसमें कीड़े वगैरह तो नहीं है। देखिए उसको जितने भी ये गले हुए हैं सब चीज़ आप निकालते रहें, साफ़ करते रहें, नहीं तो आपके राइजों गल जाएंगे। तो ये मेरा वाटर कैबेज है, मैं सब में डाल के रखी हूँ जिसमें मैंने लोटस और वाटर लिली ग्रो किया हुआ। मैं थोड़ी सी केयर बता देती हूँ क्योंकि जब देखिए कितनी अच्छी अच्छी पत्तियाँ निकलना शुरू हो गई है, न्यू ग्रोथ इनमें निकलना शुरू हो गया है। तो कैसे मैंने लगाया है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुआ है, तो आप मेरे नेचर एकेडमी में इनके केयर टिप्स देख सकते हैं, चाहे वाटर कैबेज हो चाहे वाटर लिली हो। वाटर कैबेज ज़रूर लगाइएगा, चाहे जलकुंभी, बहुत खूबसूरत लगता है, गार्डन में आपके चार चंद लगा देगा। तो ये देखिए इनमें भी बहुत अच्छी अच्छी पत्तियाँ निकल रही हैं। तो कोई भी वाटर वाले पौधे हो उनको फुल सन में रखें। और देखिए इधर मेरा फोलियस भी बहुत सुंदर है, ये छत पर ही सारे लगे हुए हैं।
तो कोई भी वाटर कैबेज हो, वाटर लिली हो, सबको फुल धूप में रखें। तो देखिए ये कुछ पार्सल आया है, तो इसमें क्या क्या आया हुआ है मैं आप लोगों से एक एक करके शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो प्लांट दिखाने से पहले जो मुझे मिला है थोड़ी सी मैं केयर टिप्स बता देती हूँ, चाहे जलकुंभी हो, वाटर लिली हो, इनको आप थोड़ी सी मिट्टी और बिना होल वाले पॉट में लगाइएगा। इसको मैं थोड़ी सी मिट्टी नीचे रख के पानी में, ये मेरे जो एक्वागार्ड था वो ख़राब हो गया था उसी में मैंने लगा दिया है, और इसमें पानी और थोड़ी नीचे मिट्टी रख के, और मैंने इसमें ये एक स्टिक था मैंने रख दिया था, और देखिए आज कितना फैल गया, बहुत खूबसूरत लगता है ये देखने में। तो आप इसे भी लगा सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो मुझसे भी ले सकते हैं। और ये है पीच कलर वाला वाटर लिली, बहुत हार्डी होता है, इतनी इसमें तेज़ी से ग्रोथ होती है ना। और देखिए मुझे इस पर नज़र पड़ गई, मैं मैक्सिकन पिटूनिया के है तो जंगली, ये वाला जंगली लॉन्ग वाला वेराइटी है, लेकिन देखिए इसका पर्पल कलर बहुत ही रेयर दिखने को ये कलर मिलता है। तो अगर कहीं से भी मिले तो ज़रूर लगाइएगा, जंगल की तरह ये ग्रो हो जाता है, तो बहुत खूबसूरत ये लगता है। और देखिए इधर ये मैंने इसमें पर्पल वाला लगाया था, जो ज्योति जी से मैंने मंगाया था, तो ज्योति जी से आप मंगा सकते हैं, इनके यहाँ सारे हर तरह के लोटस मिल जाएंगे और वाटर लिली मिल जाएगा, और कुछ वाटर के प्लांट भी, जैसे कि कुछ बता रही थी कि वाटर रोज होता है कुछ, वो भी आपको इनके यहाँ से मिल जाएगा, और कलाडियम है, बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप इनके यहाँ से ले सकते हैं। तो देखिए इनके इनको केयर करना बहुत ही आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं। हाँ आपको थोड़ी सी इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, गले वाले जितने भी पत्ते हैं इनको बीच बीच में हटाना पड़ेगा, और पानी का है तो इसमें आपको कुछ एल्गी हुआ या वाटर कवरेज जैसे प्लांट रखने पड़ेंगे, नहीं तो मच्छर इनमें डेंगू वगैरह होने के चांसेस होंगे। और आप इसके लिए डेंगू से बचने के लिए, चूँकि पानी वाला प्लांट है तो पानी भरा रहता है, तो आप इसमें मछलियाँ वगैरह भी पाल सकते हैं जो कि ये कीड़े वगैरह खाते रहते हैं, तो आप वो भी इनमें डाल सकते हैं। और देखिए ये मेरा वो पीच कलर वाला है, और इसमें बहुत ज़्यादा रूट बॉन्ड हो गया, तो इसको मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, अगर इसमें ज़्यादा रूट बॉन्ड हो जाता है तो फ्लावर रुक जाती है, तो इसमें फ्लावर रुक गई है। तो अभी ये सीज़न है, बारिश के टाइम में आप इसको रिपॉट कर सकते हैं, इसको नए पॉट दे सकते हैं। तो आइए देखें कौन कौन से गिफ्ट आया हुआ है, और ये ज्योति जी ने मुझे भेजा है, और मेरे पास मैंने इनके कुरियर चार्ज वगैरह पे किया है इसके लिए। तो इन्होंने देखिए ये सबसे पहले मैं साइड में पिक दे दूंगी, कलाडियम भेजा है छोटी सी, ये देखिए ये लपेट के बहुत अच्छे तरह से इसके बल्ब आए हैं, और कलाडियम वाइट कलर का कलाडियम ये मेरे पास नहीं है, कलाडियम तो बहुत सारे 2-3 वेराइटी हैं मेरे पास, तो नहीं वो कलाडियम मेरे पास नहीं है, तो मैं साइड में पिक दे देती हूँ। और ज्योति जी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे मंगा सकते हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी तरह से पैक करके भेजती हैं। तो एक एक करके मैं पहले निकाल लेती हूँ सारे प्लांट, फिर आप लोगों से शेयर करती। और इन्होंने बहुत अच्छे तरह से देखिए कितने अच्छे तरह से न्यूज़पेपर को गीला करके और फोल्ड करके दिया है ताकि ये ख़राब ना हो। और ये मेरे ख्याल से आइरिस है, बल्ब है, आइरिस के बल्ब है, मैं साइड में फ्लावर दे देती हूँ, फ्लावर के पिक दे देती हूँ, तो ये भी उन्होंने मुझे गिफ्ट में दिया है, तो बहुत सुंदर है, ये मेरे पास नहीं था। और ये कलाडियम मैं बहुत दिन से वाइट वाला कलाडियम ढूंढ रही थी, तो ये भी अच्छा बल्ब है, कलाडियम बल्ब से लगता है, एक बल्ब अगर आपको लग जाए तो बहुत सारे साइड से बल्ब निकलते हैं, तो बहुत सुंदर ये कलाडियम है। तो उन्होंने पिक भेजा था तो मैंने कहा था कि ये कलाडियम मेरे पास नहीं है, और जैसा कि आपको पता ही है, और देखिए इन्होंने फंगिसाइड में रख के कलाडियम दिया हुआ है, तो कभी भी कलाडियम लगाएं तो उसको पहले एक दिन इसको फंगिसाइड में डुबो के फिर लगाएं ताकि इसके बल्ब गले नहीं। और इसमें सैंड की मात्रा ज़्यादा रखिएगा और फुल धूप में ही रखिएगा कलाडियम को, तो बहुत सुंदर है। ये तो आइरिस है, आइरिस भी बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत इसके यूनिक फ्लावर आते हैं, तो आइरिस भी मैं मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं फूल भी आएगा तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी।
और देखिए ये पूरा पेपर में गीला करके इन्होंने दिया हुआ है। तो दो दो कलर की उन्होंने वाटर लिली भेजे हैं, एक पर्पल वाला भेजा है, पर्पल कलर के आते हैं जो कि पत्तों से भी ग्रो हो जाते हैं, और दूसरा पिंक कलर का भेजा है। तो पिंक भी मेरे पास नहीं था, पर्पल भी होम टाउन जाने के कारण उसकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने जो जो बोला उन्होंने मुझे भेजा है। तो बहुत आप मंगा सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में। सॉरी मेरे यहाँ बगल में काम चल रहा है, घर बन रहा है, तो थोड़ी सी आवाज़ आएगी तो निगलेक्ट कीजिएगा। और तो आप इनके यहाँ से मंगा सकते हैं। और देखिए बहुत अच्छे रूट के साथ इन्होंने दिया है, बहुत अच्छा राइजोम, हेल्दी राइजोम है, तो आप उनसे मंगा सकते हैं। तो देखिए अच्छा है। तो इसको बिना होल छोटे से वाटर लिली और लोटस लगाने के अलग अलग तरीके हैं। वाटर लिली को छोटे से बिना होल वाले बर्तन में रख के चिकनी मिट्टी, हमेशा चिकनी मिट्टी का यूज कीजिएगा या रेड सॉइल का, ताकि चिकनी मिट्टी में हम इसलिए लेते हैं उसमें वो बैठ जाते हैं आराम से, तैरते नहीं है। और उस बाउल को बड़े से टब में पानी भर के रख दीजिएगा, तो ये बहुत अच्छी तरह से, जब अच्छी तरह से 10-12 पत्ते निकल जाएं तब उसमें थोड़ी सी आप NPK पोटली में बना के कपड़े में डाल के दे सकते हैं। तो कुछ मुझे पिंक और ये पर्पल वाले वाटर लिली मिले हैं, तो ग्रो हो जाएंगे तो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कैसे इनमें ग्रोथ आ रही है, और फूल भी आएंगे तभी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो आप इनके से मंगा सकते हैं, और फ़ोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप डिटेल से जो भी डिटेल हो आप इनसे पूछ लीजिएगा, और अभी आप ले सकते हैं, इनसे बात कर लीजिएगा। और भी बहुत सारी वेराइटी इनके पास मिलती है फूलों वाले, चाहे हिबिस्कस हो, कलाडियम हो, और भी बहुत रेयर प्लांट इनके पास हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, और अच्छे दामों में ये देती हैं। तो आप कुरियर चार्ज वगैरह पूछ लीजिएगा, कौन से कुरियर, कितना कुरियर चार्ज लगेगा, और प्लांट की क्या कीमत है। मेरे ख्याल से ये 100-100 रुपीज़ के हैं, जो वाटर लिली 100-100 के हैं, पीच हो चाहे पिंक वाला हो या येलो वाला है, तो आप ले सकते हैं। और जो जो थोड़े से रेयर होते हैं वो कॉस्ट उनसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि वो तो मैंने मंगाए नहीं हैं। और देखिए बहुत खूबसूरत है मेरे यहाँ ये सारे, देखिए ये लोटस जो मैंने मंगाया था उनसे, इनकी भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। कुछ पवन जी ने लोटस मुझे दिया था उसकी भी अच्छी ग्रोथ हो रही है, कुछ तो गल गए मैं होम टाउन के जाने के कारण। और देखिए ये कली खिली हुई थी लेकिन मैं होम टाउन चली गई, तो फूल कैसे आए मुझे बस अफसोस रह गया कि मैंने इसके फूल नहीं देखे कि कैसे इसके फूल आए। तो कोई नहीं, फिर फूल आएंगे तो मैं शेयर करूंगी, पत्ते भी खूबसूरत लगते हैं। तो इस खूबसूरत इन फूलों को ज़रूर लगाएं, अगर आपके पास जगह है तो ज़रूर लगाएं। ये अगर आपकी चौड़ी छत है, बीचों बीच में जब ये खिलता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। मेरे पास तो उतनी जगह नहीं है, मैंने कोने में ही इसे रखा है, डस्टबिन में लगा रखा है। तो ये ज़्यादा केयर भी नहीं मांगते हैं, और एक भी फूल खिल जाता है तो गार्डन में चार चांद लगा देते हैं। तो आप ज्योति जी से कांटेक्ट कर सकते हैं इन प्लांटों के लिए, अच्छे दामों में और अच्छे इसके बल्ब ट्यूब वगैरह देती हैं। थैंक यू।